हाफ पैंट वाले लोग नहीं होते जो फुल पैंट इन दिनों पहन रहा है, वो नहीं संभव नहीं है। देश में भाजपा की बांट लगने वाली है 24 में। सुशील कुमार मोदी जी की मैं चर्चा ही नहीं करता क्योंकि इन दिनों पता नहीं कहां कहां से ढीला हो गए। जब देश से विदागी तय है, हाफ सेंचुरी पार नहीं करेगी 24 में भाजपा पूरे देश के अंदर में। भाजपा के लोग पूछ रहे हैं कि भाई उत्तराधिकारी कौन होगा। अरे समाजवादी विचारधारा वाले जो दल है ना, उनके उत्तराधिकारी होते हैं उनके अंश और वंश जो विचारों से लैस होते हैं। नमस्कार, फर्स्ट वे झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सना रहमान। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की वाट लगने वाली। 2024 के चुनाव में देश की जनता अब बीजेपी को जवाब देगी। दरअसल आपको बता दें कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से जिस तरीके से बीजेपी जो है वो अपना गुस्सा जो है सत्ता पक्ष के लोगों पर निकालती हुई नजर आ रही है। खास करके बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को पूरी तरह से टारगेट कर लिया गया। बीजेपी कोई एक ऐसा मौका नहीं छोड़ती, हर छोटे मौके की तलाश में इस वक्त बैठी हुई है और तमाम चीज़ों को लेकर के जो काफ़ी लगातार जो बड़ा हमला है वो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पर करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। सबके बीच आपको बता देगा वो तेजस्वी यादव भी चुप नहीं बैठे हुए। तेजस्वी यादव की तरफ से भी अब जो मुंहतोड़ जवाब है वो दिया जा रहा है विपक्ष को। बता दें कि जिस तरीके से सुशील कुमार मोदी तमाम चीज़ों को लेकर के इस वक्त जो निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, सुशील कुमार मोदी बड़ा आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव पर, उसके बाद अब तेजस्वी यादव की तरफ से भी जो बड़ा बयान है वो सामने आया। बता दें कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं शक्ति यादव, उनका बयान सामने आ रहा, साफ तौर पर उन्होंने ये कह दिया है कि सुशील कुमार मोदी जो है वो इधर उधर से ढीले हो गए हैं। बीजेपी के नेता जो है जिस तरीके से तमाम सारी जगहों पर घूम घूम करके ये फैला रहे हैं, उनको ये बात क्लियर कर देनी चाहिए और ये चीज़ उनको साफ समझ में आ जाना चाहिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अब बीजेपी की वाट लगने वाली है। आपको सुनाते हैं हम सबसे पहले क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव। भाजपा की बेचैनी इन दिनों सातवें आसमान पर है। भाजपा के लोग पूछ रहे हैं कि भाई उत्तराधिकारी कौन होगा। अरे समाजवादी विचारधारा वाले जो दल है ना, उनके उत्तराधिकारी होते हैं उनके अंश और वंश जो विचारों से लैस होते हैं। हाफ पैंट वाले लोग नहीं होते जो फुल पैंट इन दिनों पहन रहा है, वो नहीं संभव नहीं है। देश में भाजपा की बांट लगने वाली है 24 में। सबको पता है, देश जान रहा है, देश ने अंगड़ाई ले लिया है। पोलराइजेशन पीपुल पर हो जाए, पोलराइजेशन है देश के अंदर में, भाजपा तो सहमेगी। अब विचरण कर करके बिहार में इन्होंने घूम घूम करके कुछ नेता क्या क्या बोल रहे हैं भाई। ऐसे सुशील कुमार मोदी जी की मैं चर्चा ही नहीं करता क्योंकि इन दिनों पता नहीं कहां कहां से ढीला हो गया है। लेकिन वो जो विचरण कर रहे हैं 94 के लव कुश की बात कर रहे हैं, जिस समय 94 के बाद आप बात कर रहे हैं तो उसमें तो घुटनों को बल चल रहे थे यार। अच्छा, इधर लव भी इधर है, कुश भी इधर है, ये भी इधर है, जेड भी इधर है, कहां दाल गलनी है। जब देश से विदागी तय है, हाफ सेंचुरी पार नहीं करेगी 24 में भाजपा पूरे देश के अंदर में। तो आपने सुना किस तरीके से शक्ति यादव ने भी जमकर सुनाया है बीजेपी और खास करके सुशील कुमार मोदी को। जिस तरीके से इन दिनों लगातार जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लगातार जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उन पर विपक्ष यानी बीजेपी की तरफ से जो बड़ा आरोप लग रहा है, बड़े निशाने साधे जा रहे हैं। जिस तरीके से सियासी हलचल इन दिनों बढ़ी हुई नजर आ रही है, ऐसे में एक बड़ी चुनौती तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के लिए भी ये बन जाती है कि बीजेपी के तमाम आरोपों से खुद को कैसे बचाया जाए। और इसको लेकर के अब तेजस्वी यादव भी खामोश नहीं बैठे हुए, एक के बाद एक बड़ा जो निशाना है वो विपक्ष के लोगों पर साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। तमाम बड़ी खबरें, तमाम बड़ा अपडेट फर्स्ट बिहार झारखंड पर आपको मिलते रहेंगे। बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ।